अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जो कि आज जो है मैं लेकर आई हूँ बहुत सारी ज्वेलरी आप सबको दिखाने के लिए, क्योंकि मैं गई थी ज्वेलरी शॉप पर विद मदर एंड सिस्टर, क्योंकि भाइयों की शादी करीब है तो वहाँ पर जाहिर सी बात है ज्वेलरी की शॉपिंग तो लाजमी है। तो यहाँ देखें, इनसे मैंने पूछा मैं आपकी शॉप की वीडियो बना लूँ, तो इन्होंने कहा जी बना लें। तो मैंने कहा क्यों ना आप सबको जो है सेट दिखा दूँ, ज्वेलरी दिखा दूँ बहुत सारी। तो मैंने तो भाई पूरी शॉप की ही बना डाली। और ये देखें कितना प्यारा सेट है, और आपको कौन सा सबसे प्यारा लग रहा है आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। ये देखें, तो जी खुश रहें, आबाद रहें और मेरी वीडियो को एंजॉय करें। अच्छा, ख्वातीन को ज्वेलरी का इतना क्रेज़ होता है कि वो मार्केट में या बाज़ार में जाते हैं ज्वेलरी शॉप पर, अगर उनको मिल जाए जहाँ पर जो है ईयरिंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा, और टीका वगैरह भी आजकल बहुत ज़्यादा इन हो रहे हैं, वो जो बड़े बड़े टीके चल रहे हैं आजकल, तो मैं भी वही लेने वाली हूँ। और आजकल बहुत फैशन में आ रहे हैं, वो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, उससे जो है आपका फोरहेड पूरा कवर हो जाता है और मुझे अच्छे लगते हैं टीके। मैं भी अब सोच रही हूँ कि वही लूँ, और लेकिन माथा पट्टी मुझे इतनी कोई खास पसंद नहीं, नाजुक सी मुझे माथा पट्टी पसंद है। अक्सर लोग जो इतनी हैवी लगा लेते हैं तो वो इतना अच्छा मज़ा नहीं देती, ऐसे लगता है हम जैसे गाय भैंस बन गए हैं। तो मुझे नाजुक नाजुक से अच्छी लगती है, और नाक में जो नत कवारी लड़कियां तो पहन लेती हैं और शादीशुदा भी पहन लेती हैं अक्सर, तो वो भी मुझे कुछ इतना खास पसंद नहीं है। नत की तरह वो जो एक लड़ी सी जा रही होती है पिन के साथ, तो वो भी मुझे इतना कोई खास नहीं पसंद। मुझे ताको ये छोटी सी बिंदियाँ अच्छी लगती है नाजुक सी, या फिर टीका आजकल बहुत चल रहे हैं वो भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो औरतों को जो है लेडीज़ को गर्ल्स को बड़ा शौक होता है ज्वेलरी का, और बाज़ार में जाती है तो उनका दिल करता है ये वाले भी ईयर रिंग्स ले लें, ये भी ज्वेलरी ले लें, ये भी सेट ले लें। तो ज्वेलरी में जो है ना वो उनका दिल चाहता है कि ये सारी रिंग्स भी हम ले लें, तो लेकिन इतना एक एक सेट की जो प्राइस है वो इतनी ज़्यादा है, तो फिर इंसान कौन ले भाई, कौन कौन सी ले भाई। तो देखिए मैंने ये आपको सबको दिखाया, ये जो है हाँ ये भी ये होता है, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं साइड में जो लगाते हैं हम, हाँ जी झूमर, झूमर झूमर रे, तो झूमर भी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पिने थी यहाँ पर, हेल्थ क्लिप्स, काफ़ी कुछ सामान था इनकी शॉप पर, काफ़ी कुछ। लेकिन हमें जो है अभी फ़िलहाल ज्वेलरी ही लेनी थी, लेकिन मैंने कहा चले वीडियो बना रही हैं तो मैं आपको ये सब भी दिखा दूँ कि इनकी शॉप पर क्या क्या है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या शॉपिंग कर रही है, क्या ख़रीद रही है, कौन सी ज्वेलरी ली कौन सी नहीं ली, तो ये तो मैं आपको कुछ दिखा ही नहीं रही, तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या बात है। तो भाई अभी नहीं दिखाना ना, कुछ रखना भी है अभी छुपा के, अगर अभी से दिखा दूँगी तो मज़ा नहीं आएगा ना, एंड टाइम पर दिखाऊँगी। और आपको पता है कि कितने लोग जो है छुप छुप कर देख रहे होते हैं, तो फिर ये मैं आपको वक्त पर दिखाऊँगी, किसी को बताना नहीं। और यहाँ देखें जो है इतनी सारी कलरफुल रिंग देखकर जो मैंने सोचा चलो मैं बाबा जी बनकर दिखा दूँ आप लोगों को। और यहाँ पर जो मैंने सिस्टर से कहा चलें भाई मुझे पहनाना स्टार्ट करें, मुझे हर फिंगर में अलग अलग कलर की रिंग पहना दें, और फिर मेरी सिस्टर ने भी जो है ना रिंग पहनाना स्टार्ट कर दी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जिनके लंबे लंबे बाल पीर बाबा होते हैं वो इसी तरह की रिंग पहने रखते हैं हाथों में, मोटे मोटे पत्थर की, अजीब गरीब सी लगते हैं। तो ये देखें, असल मज़े की बात आप ये देखें, वो यहाँ पर जो है ना सारी रिंग्स ज्वेलरी छोड़कर दूसरे कस्टमर में लगे हुए हैं शॉपकीपर, और फिर उनको परवाह ही नहीं है कि हम मैंने इतनी सारी ज्वेलरी जो है नीचे छोड़ दी है, और ये बैठकर रिंग्स वगैरह भी ट्राई कर रही हैं, ज्वेलरी सेट भी देख रही हैं। तो फिर मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने तो एंड में उनको कहा भी कि आप इस तरह कस्टमर पर ना छोड़ा करें सारी की सारी, इस तरह तो मतलब अल्लाह का शुक्र है हम लोग तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन जो है ना काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं, कोई दिलों का हाल तो नहीं जानता ना, तो कोई भी आपकी चीज़ यहाँ से आराम से पार्सल करके ले जा सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तरह आप बेफिक्री से कस्टमर पर सारी ज्वेलरी छोड़कर और आप जो है वहाँ पर दूसरे कस्टमर्स पर लगे हुए हैं,
तो खुदा ना खासा कुछ भी हो सकता है। और आजकल तो मैंने ऐसी लेडीज़ भी देखी हैं, उनको बस मौका चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई, उनकी भी बड़ी बात है कि कह रहे हैं कि हम जो है ना शक्लें देखकर पहचान लेते हैं कि कौन सा कस्टमर हमारा कैसा है। मैं कर लें जी, मैंने तो अक्सर ऐसे भी लोग देखे। मैं आपको अपना बता रही हूँ, उनसे तो खैर इतनी नहीं बात की, मैं आपको अपना बता रही हूँ कि अक्सर मतलब मैंने तो ऐसे देखे जो लोग ऐसे लगते भी नहीं हैं, वो भी ऐसी हरकत कर जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आपका जहनो गुमा में आप क्या आ भी नहीं सकता है कि ना आपने आप उन पर भरोसा कर लेते हैं आंखें बंद करके, और वो ऐसे काम कर जाते हैं। बहरहाल अब ये भाई उनका ईमान है और उनको अल्लाह के यहाँ पर जाकर जवाब दे होना है। तो फिर ये भी कह रहे थे कि हमारा एक जो है ना बहुत बड़ा पैक जो पता नहीं किस चीज़ का था, वो इनका एक लेडीज़ लेकर चली गई थी, लेकिन अब क्या कर सकते, जाने वाली चीज़ फिर वापस थोड़ी आती है। तो इसीलिए फिर भी थोड़ी सी एहतियात लाजमी है, क्योंकि हम तो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सामने वाला बंदा हमें ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन भाई किसी का कोई भरोसा नहीं। आजकल के ज़माने में रिस्क नहीं लेना चाहिए, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, एहतियात ज़रूरी है। तो ये थी मेरी ज्वेलरी शॉप की वीडियो, और ये रिंग थी मेरे हाथ में। तो यहाँ से जो हम ख़रीदने गए थे, तो मैंने सोचा चलो बना ही लेती हूँ वीडियो। और जो ज्वेलरी लवर्स होंगे उन्होंने यकीनन मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा इन्जॉय की होगी, क्योंकि ज्वेलरी का मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक है। वो अलग बात है कि मैं ख़रीदती कम हूँ, लेकिन अब जो है भाइयों की शादी है तो लाजमी हर ड्रेस पर ख़रीदूँगी। और ये सारे मैं यहाँ पर आपको रिंग के पैक दिखा रही थी। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, इतनी बड़ी भी नहीं थी, देख लें पूरी। और मुझे दे इजाज़त, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आप सब से। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।